हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग के मेस के बारे में, यानी कि उसके जाली के बारे में, कि कौन सा नंबर किस प्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हमको पेपर पे प्रिंट करना है, कागज़ पे प्रिंट करना है, और हमारा लेटर जो हमको प्रिंट करना है वो छोटा है, यानी बिल्कुल छोटा मेटर जो उसका फॉन्ट साइज़ है वो 10, 12, 14, 16, 18, 20 के करीब है, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 140 नंबर हो गया या 160 नंबर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर पेपर के अलावा किसी और चीज़ पे हमको प्रिंटिंग करना है, जैसे मान लीजिए कैरी बैग हो गया, तो उसके लिए हम 120 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगर हमें टी शर्ट वगैरह पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना कम नंबर का इस्तेमाल हम करेंगे। वो कपड़े की क्वालिटी के ऊपर होता है। जैसे हम 80, 90, 60, 40, 30, 18 तक के नंबर को यूज़ कर सकते हैं। वो कपड़े के ऊपर है कि कौन से कपड़े पे कैसी प्रिंटिंग आएगी। उसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, हम अभी आपको इसको दिखाते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, 1x1 का हमने लिया है खाना, ठीक है, और इसमें ये जो खाना आप देख रहे हैं ये 50 है, ठीक है, यानी एक लाइन में इधर से 50 है और इधर से भी 50 है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 140 नंबर वाला जो लेंगे आप, तो उसका ये है, यानी इतना छोटा छोटा इसमें बिंदी है, ये जो इसका जगह खाली गैप है इसका, ये बिल्कुल छोटा छोटा है। तो अगर आप इसमें से प्रिंटिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो नीचे जो प्रिंट होगा वो हमारा मतलब फैलेगा नहीं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर यही कम कर देंगे, इसी को मान लीजिए कि मेस बोलते हैं, ठीक है, ये 50 नंबर का मेस मान लीजिए आप, और इसको अगर हम कम कर देंगे ये मान लीजिए 40 नंबर का, तो उसमें ये जो गैपिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जो स्याही हमारा गिरने वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप मान लीजिए इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ इतना ही हमको प्रिंट करना है तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही गिरेगा, लेकिन ये जो इसका साइड वाला है इधर भी हल्की हल्की स्याही ज़रूर चली जाएगी, तो जिससे ये भद्दा दिखेगा। लेकिन अगर इसी को हम कपड़े पे प्रिंट करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा दूर से, ठीक है। इसी तरीके से अगर इससे कम नंबर के मेस में चले जाते हैं, जैसे ये 30 नंबर का है, तो ये देख लीजिए थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा स्याही गिरेगा। ऐसे बिल्कुल कम 10 नंबर के मेस में चले जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्याही गिरेगा। तो इसलिए अगर इसमें मान लीजिए हम पतला कोई चीज़ प्रिंट करना चाहें, छोटा लेटर, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो इतना इधर एक्स्ट्रा भी गिरेगा, इधर भी एक्स्ट्रा गिरेगा, जिससे जो हमारा लिखावट है वो हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कपड़ा होगा तो कपड़ा पे धुंधला ताला ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी प्लेन नहीं होती है, तो उस पर ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहीं पर ज़्यादा गिरेगा जहाँ पर सही हमारा मैटर खुला होगा, तो उस पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन के मेस में यही चीज़ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको हम चेंज इधर हटा देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारा फ्रेम है, ठीक है, और इसके अंदर जो ये है वाइट वाला, ये हमारा मेस है। लेकिन इस पर हम जैसे ही कोटिंग करते हैं तो हम चाहे जो भी कोटिंग करें ये ऐसा हो जाता है। कोटिंग का काम ये होता है कि वो जो सूख जाता है वो एक परत बन जाती है, यानी जब तक आपने कोटिंग नहीं किया ऊपर पानी डालेंगे या स्याही डालेंगे, जो कुछ भी डालेंगे, वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, सारा का सारा नीचे चला जाएगा। लेकिन आप जैसे ही इस पे कोटिंग कर देते हैं, अब इसके ऊपर आप पानी गिराइए, नाइट्रो गिराइए या पेंट गिराइए, कुछ भी गिराएंगे, वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक परत बन गई है जिसको वो रोक लेती है। तो उसको हम एक्सपोज करते हैं, तो एक्सपोज करने में क्या होता है, जो हमारा मैटर होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैटर है, ठीक है, जब इसको हम एक्सपोज करते हैं, उसके बाद जब पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद वो जितना हमारा मैटर होता है उतने दूर का ये जो कोटिंग है वो धुल जाता है। यहाँ का कोटिंग हमारा धुल गया, आप देख सकते हैं ये, तो ये जो पुराना हमारा मेज था जिसके ऊपर हम पानी डालते तो नीचे चला जाता, बिल्कुल वैसा आ गया, यानी चारों तरफ अभी इसके कोटिंग पड़ी हुई है, लेकिन बीच में जो हमारा मैटर है, जो हमारा लेटर है, ये टीआर, यहाँ का कोटिंग हट गया है। तो अब हम जो पेंट या पानी गिराएंगे तो इतने दूर में गिर जाएगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, अगर पानी गिराएंगे तो पानी तो नीचे से पूरा फैल जाएगा, लेकिन पेंट जो गिराएंगे तो मोटा होता है, तो बिल्कुल इतना ही दूर में पेंट अच्छे से नीचे चिपक जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो मेस अगर 100 पेपर पे प्रिंट करना है आपको, चाहे वो शादी कार्ड हो, कैश मेमो हो, या मार्कशीट हो, या जो भी हो, अगर पेपर पे आपको प्रिंट करना है तो आप ज़्यादा नंबर का मेस इस्तेमाल करिए, जैसे कि 140 नंबर। कैरी बैग के लिए आप 120 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 110 का भी कर सकते हैं।
कपड़े पे अगर प्रिंट करना है, टी शर्ट वगैरह प्रिंट करना है, तो जितना ज़्यादा कम हो सके, वो कपड़े की क्वालिटी के ऊपर होता है। मैं टी शर्ट प्रिंट नहीं करता, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ पेपर के लिए आप 140 160 यूज़ कर सकते हैं। बस ये बात अपने दिमाग में रखे रहिए कि आप जितना चाहें ज़्यादा नंबर का अगर पेपर पे इस्तेमाल करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ छोटा लेटर जितना बहुत ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा कम रहेगा, छोटा लेटर के लिए ज़्यादा मेस और बोल्ड लेटर के लिए आप कम मेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।